ध्यान देने योग्य है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जरूरी बातें। दोस्तों अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। सबसे पहले है दिल के रोगियों के लिए करेला ड्रिंक बेहद फायदेमंद होता है, यह ब्लड को स्वच्छ बनाए रखता है। नंबर दो, मनुष्य का सबसे अच्छा साथी होता है स्वास्थ्य। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा उस दिन से वह मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करें, वीडियो को देखते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। नंबर तीन, पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर करनी हो तो अमरूद को भूनकर उसकी राख खाएं। नंबर चार, चेहरे की चमक लाने और चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को हटाने के लिए अरंडी का तेल, जिसे कि कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है, उससे अपने चेहरे की नियमित रूप से मालिश करें। नंबर पाँच, मेहंदी को कलर आने तक ही बालों पर लगाकर रखें, फिर तुरंत धो दें। मेहंदी जितनी देर तक बालों में लगी रहती है उतनी देर तक बालों की नमी सोखती रहती है। नंबर छः, निहार मुँह अनार खाने से 10 दिन के अंदर ही इंसान सेहतमंद नजर आने लगता है। सात नंबर देखते हैं दोस्तों, निहार मुंह टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ होता है। नंबर आठ, गाय का जो दूध होता है वो भैंस के दूध से हल्का होता है और ये कैंसर से बचाता है, जल्दी हजम हो जाता है। नंबर नौ, टूथपेस्ट की मदद से झुर्रियों को कम किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ी सी टूथपेस्ट झुर्रियों वाले स्थान पर लगाएं, रात भर इसे ऐसे ही छोड़ दें, दूसरे दिन धो लें। नंबर 10, आप विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को गुलाब जल में मिलाकर लगा सकते हैं, यह नेचुरल टोनर के रूप में काम करता है। इसे लगाने से होठों का कालापन भी दूर होने लगता है। नंबर 11, बिछिया सुहाग की निशानी के साथ ही शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, क्योंकि चांदी सुचालक धातु है जो पृथ्वी की ऊर्जा को शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। नंबर 12, अगर किसी को पीलिया, जिसे कि हम जॉन्डिस भी कहते हैं, की शिकायत होती है तो उस इंसान को रोजाना एक रसगुल्ले का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे पीलिया की शिकायत बहुत जल्दी दूर हो जाती है। दोस्तों यहाँ जो रसगुल्ले की बात की गई है वो सफ़ेद रसगुल्ले से है जो कि पनीर से बनता है। नंबर 13, हड्डियों के लिए पॉपकॉर्न का सेवन करना फायदेमंद होता है। पॉपकॉर्न में फास्फोरस और मैग्नीज पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। पॉपकॉर्न खाने से हड्डी से जुड़ी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। नंबर 14, रोज रात में सोने से पहले एक गिलास दूध पीने से बढ़ी हुई यूरिक एसिड में लाभ मिलता है। नंबर 15, पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए। आप जाके माता के मंदिर में रख सकते हैं या आपकी जो भी सुहागिन फ्रेंड्स हैं, आपकी ननद है, छोटी बहनें हैं, आप उनको दे सकते हैं। नंबर 16, गैस सिलेंडर को बंद कमरे में ना रखें। सिलेंडर को हमेशा खुले में या फिर ऐसे कमरे में रखें जिसमें खिड़की और दरवाजे खुले हों। नंबर 17, पीरियड के दौरान महिलाएं किसी भी संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 5 घंटे में अपने पैड को बदलती रहें। हर बार जब भी आप अपना पैड बदलें तो अपने योनि के क्षेत्र को अच्छे से जरूर धोएं। नंबर 18, बैठने के मुकाबले खड़े रहने पर शरीर अधिक कैलोरीज बर्न करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान भी आपके मसल्स काम करते रहते हैं। तो जो भी लोग अपनी कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं कोशिश करें खड़े रहने की। नंबर 19, दही के ऊपर वाला पानी पीने से लीवर साफ होता है। नंबर 20, भीगी हुई चने की दाल का पानी मुंह पर लगाने से चेहरे का कलर साफ होता है। नंबर 21, गला खराब होने पर एक गिलास पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती पकाकर छान लें, इस पानी से गरारे करने से राहत मिलती है। नंबर 22, एप्पल साइडर विनेगर में उपलब्ध मिनरल्स आपके बालों को शाइनी बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों आप इसको सुबह मॉर्निंग में 1 चम्मच पानी में मिला के ले सकते हैं। 24, विशेषज्ञों के अनुसार ज़्यादा धूम्रपान भी चेहरे की झुर्रियों का कारण बनता है। इसके सेवन से फेफड़े कमजोर पड़ते हैं जिसका असर चेहरे पर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे में आपको आज से ही धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। नंबर 25, भोजन से ही स्वास्थ्य बनने का प्रयास करें। इसका सबसे सही तरीका है कि भोजन हमेशा चबा चबा कर आनंद पूर्वक करें ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे, इससे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों अगर आप भोजन को अच्छे से आनंद से करेंगे तो आप अच्छे भोजन से ही स्वस्थ रह पाएंगे। नंबर 26, एवोकाडो खाने से मिस कैरिज की संभावनाएं कम होती हैं।
साथ ही गर्भ में बच्चे को सारे जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं, जिससे बच्चा हेल्दी होता है। नंबर 27, आड़ू के फलों का काढ़ा बनाकर सेवन करने से पेट में रुकी हुई कब्ज बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। नंबर 28, अगर आप ज्यादा नमक या शक्कर खाने के आदी हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ज्यादा नमक लेना हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। कम सोडियम वाला भोजन खाएं, इसी प्रकार शक्कर की मात्रा को भी अपने भोजन में कम रखें। नंबर 29, ज्यादा पकाया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सब्जी हो या फिर नॉनवेज, ज्यादा पकाने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके पोषक तत्व हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नंबर 30, सोने से पहले ज्यादा रोशनी में रहना अच्छी नींद को दूर भगाता है। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि शाम के समय ज्यादा तेज रोशनी से दूर रहें। नंबर 31, आज की लाइफस्टाइल में लोगों के पास सगे संबंधियों से ज्यादा समय उन लोगों के लिए होता है जो कि वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे ना तो हम कभी मिले हैं और ना ही जिन्हें हमने कभी देखा है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी फैमिली और मित्रों से संपर्क बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो समय पड़ने पर विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। नंबर 32, सीले हुए बिस्किट को फिर से कुरकुरा बनाने के लिए किसी डिब्बे में बंद करके आप उसे फ्रिज में रख दें। जब आप दोबारा उन्हें अपने फ्रिज से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिस्किट पहले की तरह ही कुरकुरे हो चुके हैं। 33 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, पति पत्नी को कभी भी लोहे से बने हुए बेड पर नहीं सोना चाहिए। पति पत्नी का बेड हमेशा लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, यही शुभ माना जाता है उनमें अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए। नंबर 31, पत्नी को कभी भी अपने पति के दाएं ओर नहीं सोना चाहिए, इससे उनके रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। नंबर 32, सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ताज़ा फल जैसे कि अंगूर, अमरूद, संतरे, पपीता, केला, तरबूज आदि का सेवन करना चाहिए। नंबर 33, पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए बेडरूम में तोते के जोड़े की पेंटिंग लगानी चाहिए, ऐसा करने से प्रेम बढ़ने लगेगा और मन की खटास भी खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतनी जानकारी, आशा है दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स को जान पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।